एकमात्र ऐसी चीज है जहां पर साइंस, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, चाहे कोई सा भी हो, सब अलग अलग धर्म आकर एक मत, एक राय देते हैं। हम सबसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि है ये बुक। रोंडा ब्रांड ने ये बुक लिखी थी और बुक का नाम है द सीक्रेट। इस बुक के पेज नंबर 6 पे बॉब प्रॉक्टर ने लिखा है, आपको क्या लगता है कि इस दुनिया का 96% पैसा जो है वो सिर्फ 1% लोग कमाते हैं? जी हाँ, 96% ऑफ द मनी हैज बीन अर्नड बाय 1% ऑफ द पीपल। तो क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है या कोई सीक्रेट है? और अगर कोई सीक्रेट है तो क्या? और वो जो सीक्रेट था वो दिया था इस द सीक्रेट में। द सीक्रेट बुक को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बाइबल माना जाता है। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन बात करता है कि कैसे आपके विचार आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करते हैं, वो लेकर आते हैं, वो लाकर देते हैं जो आपको चाहिए। क्योंकि हमारे विचारों में होती है इलेक्ट्रिक पावर्स जो कि हमारी बॉडी में फीलिंग्स पैदा करते हैं। हमारे विचारों में होती है इलेक्ट्रिक पावर्स, हमारी फीलिंग्स में होती है मैग्नेटिक पावर्स, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनके हमारी लाइफ में वो लाकर देते हैं जो हमें चाहिए। अब जैसे विचार वैसी फीलिंग्स और वैसे मैनिफेस्टेशंस। जी हाँ, जैसे आपके विचार होंगे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फीलिंग्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन या लाइफ की जो क्वालिटी रहेगी वो भी वैसी ही रहेगी। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीधे सीधे नकार देते हैं लेकिन वो कर्म में बिलीव करते हैं। तो गौतम बुद्ध और हमारे जो बाकी संत रहते हैं उनका भी ये क्लियरली कहना है, हमारी जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें जो कर्म को डिफाइन किया गया है, कर्म अकेला मात्र वो नहीं है जो आप अपने हाथों से परफॉर्म करते हो, जो आप एक्शंस लेते हो। कर्म वो भी है जो आप सोचते हो, जो आप महसूस करते हो, जो आप मानते हो। हर चीज एक कर्म है, मतलब मन, वचन और एक्शंस कर्मों से एक होना। तो आपका सोचना मात्र, आपके विचार मात्र भी आपके कर्मों में आते हैं। अगर ये इतना ही सिंपल था, इतना आसान था, तो लोगों के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि अधिकांश लोग रात में स्ट्रेस, वरी, ओवरथिंकिंग करते हुए सो जाते हैं और अगले 10-11 घंटों तक वो उसी मेंटल स्टेट में होते हैं, मतलब ओवरथिंकिंग, चिंता, परेशानी। तो अब आप बताएं मैनिफेस्ट क्या होगा? वैसे सच बताऊं तो मैंने इस बुक के ऑलमोस्ट सारे वर्जन्स पढ़ रखे हैं और मैं इसको आज भी रीड और री रीड करती चली जाती हूँ। मैनिफेस्टेशन के यूजुअली 4 मेन फंडे नॉर्मली पाए जाते हैं, जिसको मैं 4M बोलती हूँ, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, मंत्रास एंड मुद्रास। द सीक्रेट बुक में फर्स्ट 2 की बात की गई है, मीन्स मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। मैनिफेस्टेशन टेक्निक के नाम से उसको एड्रेस नहीं किया गया है, लेकिन जो टूल्स दिए गए हैं वो मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो आपके विचार और आपकी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं। मेडिटेशन को एक रीसेट बटन बताया गया है जो आपके विचारों का, चाहे नेगेटिव थॉट हो, अगर उसका मोमेंटम बहुत बढ़ चुका है, बहुत स्पीड में जा रहे हैं और आप उसकी इंटेंसिटी, इमोशंस की जो इंटेंसिटी है वो अपनी बॉडी में फील कर पा रहे हो, तो मेडिटेशन आपको एक रीसेट कर देता है, आपको रीस्टार्ट करता है, तेजी से जाने वाले मोमेंटम की स्पीड कम कर देता है। मेडिटेशन का अर्थ है ध्यान। हम भारतीय लोगों को अगर ध्यान के बारे में सीखना है तो उसके लिए हमें किसी वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन और ध्यान एकमात्र ऐसी चीज है जहां पर साइंस, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, चाहे कोई सा भी हो, सब अलग अलग धर्म आकर एक मत, एक राय देते हैं कि हाँ, मेडिटेशन जीवन में अद्भुत चमत्कार करता है। जिन्होंने अभी तक मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करा है वो उसे 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन करने की कोई एज नहीं होती है और कोई भी सही काम करने का कोई गलत वक्त नहीं होता है। तो अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं, गुड टू गो। इसके अलावा द सीक्रेट बुक बात करती है क्लियर होने के लिए, मतलब बेसिकली ये 3 फंडे पे बात करती है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। सबसे पहली बात आस्क। आस्क के लिए हमें खुद क्लियर होना पड़ेगा कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। क्लैरिटी अपने आप में वो ब्लेसिंग है कि अगर ये आपके पास है तो आधी लाइफ तो यूं ही सॉर्टेड रहती है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स अकेले इस क्लैरिटी के बेस पर ही लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आस्क, तो पहले क्लियर हो जाओ कि लाइफ में क्या चाहिए। उसके बाद बिलीव, मतलब ऐसा विश्वास करो कि वो चीज आपको डेफिनेटली मिल सकती है, आप उसके योग्य हैं, आप बिल्कुल उसके लायक हैं, और उस पर फोकस रहें। मतलब द सीक्रेट बुक बात करती है कि अपने पॉजिटिव थॉट्स पर आपको फोकस रहना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। कई लोगों का कहना होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस अभी उतनी नहीं है।
इन दैट केस आपके इमोशंस आपके लिए जीपीएस का काम कर सकते हैं। वो आपको ये दिखाते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा सा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में कुछ अच्छा चल रहा है, और अगर आप कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं, इट मींस आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है। फिर भी कई लोगों का कहना होता है कि हमने सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कर ली हैं, हम अपने थॉट्स का ध्यान रखते हैं, हम सब टेक्निक्स कर चुके हैं, हमारी लाइफ में वो नहीं होता है जो हमें चाहिए। एंड यू आर राइट, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। उसका कारण है हमारे बिलीव्स। हमारे बिलीव्स के बारे में यूजुअली कोई बात नहीं करता, लेकिन आप कितना भी पॉजिटिव अननेसेसरी रहने की कोशिश करो और अंदर से बिलीव्स नेगेटिव हैं, तो ये दोनों चीजें पैरेलल एक साथ नहीं चल पाएंगी। तो बिलीव्स तोड़ना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी ओल्ड प्रोग्रामिंग और ओल्ड बिलीफ हमें लाइफ में वो मैनिफेस्ट नहीं करने देते हैं, हमारी ड्रीम लाइफ हमें मैनिफेस्ट नहीं करने देते हैं, नो मैटर व्हाट वी डू। चाहे हम कितने भी एलिजिबल हों, क्वालिफाइड हों, एजुकेटेड हों, या काम करने में इंटरेस्टेड हों, तो बिलीव्स तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव्स तोड़ने में एक और बुक आपकी बहुत मदद कर सकती है, वो है द सीक्रेट मंत्रा टू अवेकन योर इनर जीनियस। इस बुक को बेस्ट सेलर बनाने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। ये आपको Amazon पे किंडल और पेपरबैक दोनों ही वर्जन्स में मिल सकती है। बट स्टिल, इफ यू आर नॉट अ रीडर या आपके पास समय की कमी है, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। द सीक्रेट बुक ने एक और चीज जो बहुत अच्छी हम लोगों को सिखाई या मुझे भी सिखाई, वो थी ग्रैटिट्यूड। और बहुत लॉजिकल बात थी ये कि जब तक आप अपनी लाइफ में जो है उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, आभारी नहीं है, तो आप एक लैक की एनर्जी में है, और लैक की एनर्जी लाइफ में और लैक की एनर्जी ही मैनिफेस्ट करने वाली है। इसलिए ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियसली भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट ला कर देता है। वो लोग जिन्होंने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, अगर आप इसका रोज एक पेज भी पढ़ते हैं तो आपके लिए काफी है। वो लोग जो ये कहते हैं कि हम तो ये बुक पढ़ चुके हैं, अभी भी अगर आप इसका रोज एक पेज पढ़ते हैं तो आपके लिए काफी है। जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, गौतम बुद्ध ने भी कहा है, यू थिंक व्हाट यू बिकम, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील, एंड यू क्रिएट व्हाट यू इमेजिन। ये बुक भी एग्जैक्टली यही बात कहती है कि सोचने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, आप जो महसूस करते हैं आप अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अब जब आपको ग्रैटिट्यूड में जाना है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स को फील करना है, और वो कैसे होगा ये देखना है, तो कुछ ये वीडियोस आपकी हेल्प कर सकते हैं। चेक इट आउट। सी यू। नमस्ते।